तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्लास 9th की बुक है, ठीक है। इसमें ग्राफिकली बताना, लेकिन हम सॉल्व करेंगे अपना अलजेब्रिकली, जिसमें एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हम ग्राफिकली नहीं करेंगे, हम जैसे हमने पढ़ा वैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म करना है, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करना जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन, ठीक है। हमें इस प्रॉब्लम में फॉर्मुलेशन करनी है। तो पढ़ते हैं पार्ट वन। पार्ट वन अलग चीज है, पार्ट टू अलग चीज है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इस क्वेश्चन को हम सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, पर हम इसको टू वेरिएबल से करेंगे। सपोज लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी वाई, ठीक है। हमने मान लिया कि बॉयज की संख्या एक्स है, गर्ल्स की संख्या वाई है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 टोटल स्टूडेंट्स थे। तो 10 में लड़के भी थे और 10 में लड़कियां भी थी। तो हमारा इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा थी। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या थी वाई, वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। इसको थोड़ा ढंग से लिख लें जैसे लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन दूसरा ही लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरे इक्वेशन में हम एक्स को या वाई को इधर लेते आएंगे और इसको इधर लेते जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये -4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। या फिर इसको पलट के लिख दें तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। तो इतनी चीज को हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन। ये जो इतनी अंग्रेजी लिखी हुई थी यहाँ पे, इतनी अंग्रेजी को हमने इक्वेशन में बदल दिया, इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेशन, ठीक है। क्योंकि सॉल्व तो हमें गणित में करना है, मैथ्स में करना है, इंग्लिश से तो सॉल्व होगा नहीं। तो इंग्लिश को मैथमेटिक्स में बदलने को ही फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 था और एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4 था। हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो गया। तो 2x इक्वल टू 10 -4 हो जाएगा, ये 10 प्लस -4, ठीक है। 10 प्लस -4 इसका मतलब होता है 10 -4, ये हो गया 6। तो इधर आ गया 6, तो x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और x 3 आ गया यानी लड़कों की संख्या 3 आ गई। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 3 इसमें डाल दिया हमने, 3 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 7। तो लड़कियों की संख्या 7 आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सही है या नहीं। तो इसमें क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो यहाँ 3 और 7 10 हो गए। और क्या बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, तो 4 ज्यादा है। तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 करते हैं। इसमें पार्ट टू में क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो हमें पेंसिल का, एक पेंसिल की कीमत कितनी है वो नहीं पता, और एक पेन की कीमत कितनी है वो नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि अगर 5 पेंसिल लें और 7 पेन लें तो उसकी कीमत 50 रुपए होती है, और 7 पेंसिल लें और 5 पेन लें, ठीक है, तो उसकी कीमत 46 रुपए हो जाती है। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है। तो मान लिया दैट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल
इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन इज वाई, ठीक है ऐसे लिखते हैं, इतना दोनों पूरे पूरे सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये हो गया एक्स और वाई, तो एक पेंसिल की कीमत हो गई एक्स रुपए और एक पेन की कीमत हो गई वाई रुपए, ठीक है। तो यहाँ पांच पेंसिल है तो पांच पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 5x, और सात पेन की कीमत कितनी हो गई 7y, ये हमें दे रखा है 50 रुपये। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है कि सात पेंसिल और पांच पेन, तो सात पेंसिल की कीमत हो गई 7x और पांच पेन की कीमत हो गई 5y, और ये टोटल 46 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूलेशन, ठीक है, ये जो था ये हो गया फॉर्मूलेशन। हमने इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन यहां देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं कि इक्वेशन वन में जो है 5x+7y=50 है, यहाँ पे 7x+5y=46 है, तो हमें एक चीज को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7y है और यहाँ पे 5y है, तो अगर हम इक्वेशन वन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 35y हो जाएगा, और अगर इक्वेशन टू में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 35y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन टू में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन वन में 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25x+35y=50, 25 250, ठीक है। इसको इक्वेशन थ्री बोल सकते हैं या वन ए बोल सकते हैं, थ्री बोलता है। अब इसमें इक्वेशन टू में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 25 35x+ सॉरी इक्वेशन वन में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन टू में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन वन में हमें 5 से करना था, टू में हमने 7 से करना है, तो 7 से कर दिया इसमें, तो 49x हो गया प्लस ये 35y हो गया, और इसमें हमें 7 से करना है, तो 46 गुणे 7 में कैलकुलेटर से कर लेता हूं, 46 गुणे 7 होता है 322, तो यहाँ आ गया 322, ठीक है। तो ये इक्वेशन फोर आ गया हमारा। अब हमें हमें थ्री और फोर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं 3-4 कर रहे हैं, इक्वेशन 3-4, तो नीचे वाले का साइन बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो जोड़ा तो ये खत्म हो गया, 35y-35y हो गया, यहाँ 25x-49x हो गया, और यहाँ क्या हो गया 250-322, ठीक है। तो 25 में से 49 गया, 24 आ गया, -24x, ठीक है। और इधर से कितना आ गया 50 और 22, 72, -72 आ गया, ठीक है। या दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 24x=72 आ गया, तो x=24 3 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास पेंसिल की कीमत तो आ गई 3 रुपए, ठीक है। और हमें चाहिए अब y, तो y निकालने के लिए सपोज हमने इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, इसमें हमने x की वैल्यू 3 डाल दी, तो ये हो गया 5×3+7y=50, ठीक है। 5×3=15, इधर हो गया 7y=50, तो फिर आ गया यहाँ से 7y, 15 को इधर ले आए तो हो गया 35, तो y=5 रुपया, तो y की वैल्यू हो गई 5 रुपये, ठीक है। तो पेंसिल की कीमत 3 रुपये प्रति पेंसिल,
और पेन की कीमत 5 रुपये प्रति पेन, ठीक है। तो हो गया ये, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो और भी एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी क्लास 10th के हैं, पिछले वाले भी क्लास 10th के हैं, मैंने गलती से क्लास 9th बोल दिया था, ये भी क्लास 10th के हैं। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं या फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। तो ये क्लास 10th का, तो ये देखते हैं फोर्थ वाला। इसमें क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब एक फिक्स चार्ज तो लगेगा लगेगा, चाहे आप आधा किलोमीटर चलिए, चाहे 1 किलोमीटर चलिए, चाहे 2 किलोमीटर चलिए, उतना तो आपको देना ही देना है, प्लस जितना आप किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फिक्स चार्ज लगता है, तो वो सपोज मान लिया हमने, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ₹1 एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हो गया, ये सपोज ये ₹Y मानते हैं पर किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर का ₹Y लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये जो वेरिएबल्स हैं उनको समझना होगा क्या क्या है, ठीक है। ₹1 तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप चढ़ के 1 किलोमीटर चलिए, चाहे 2 किलोमीटर चलिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज फिक्स चार्ज ₹10 है, ठीक है, और पर किलोमीटर का ₹2 लगता है, ₹2 पर किलोमीटर। तो अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा, 10 प्लस 2 गुणे 10, ठीक है, तो ₹30 लग जाएंगे। अगर आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो 10 प्लस 2 गुणे 20 लग जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो डिपेंड करेगा कितना किलोमीटर चलना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 40, तो ये ₹50 लग जाएंगे। अगर हम 30 किलोमीटर चलेंगे तो 10 प्लस 2 गुणे 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 प्लस 60 70 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। तो हिसाब किताब ये है कुल मिला के, ठीक है। तो इस टाइप की चीज है, लेकिन हमें पता नहीं कि फिक्स्ड, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो अगर 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज ₹105 आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर का ₹105, तो ₹1 तो लगेगा उसका फिक्स चार्ज, प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर के चार्ज वाई है, तो 10 वाई चार्ज हो गया टोटल, तो ये 105 हो गया, ठीक है। और अगर 15 किलोमीटर चलता है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 15 वाई इक्वल टू 155, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया, इसको बोलता है फॉर्मुलेशन। अब इसको सॉल्व करना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा इक्वेशन 2 लिखा यहाँ पे, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155 और एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। इक्वेशन घटाने के लिए क्या बोला था, जो नीचे वाला होता है उसको साइन बदल लेते हैं, तो एक्स एक्स कट गया, 15 वाई इधर माइनस 10 वाई, तो 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105 50, तो वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो वाई जो आ गया वो आ गया ₹10 प्रति किलोमीटर, ठीक है। फिक्स चार्ज वाला देखते हैं, अब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम वाई की वैल्यू इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करें वाई, वाई की वैल्यू 10 इसमें डाल दो, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स प्लस 10 गुणे वाई की जगह 10 बराबर 105,
एक्स हो गया 105 माइनस ये हो गया 100, तो ये हो गया 5 रुपए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब डाल के चेक करते दोनों सही है नहीं। तो इसमें एक्स की वैल्यू 5 डाला और वाई की वैल्यू 10 डाला, तो 5 प्लस 100 105 हो गया। यहाँ पे डालते हैं दूसरे इक्वेशन में 5 प्लस 150। ठीक है, तो 5 प्लस 150 155 हो गया, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा सोल्यूशन हो गया ये वाला, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, 10 रुपीज। तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5 रुपीज और y इक्वल टू 10 रुपीज पर किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें बताना कि 25 किलोमीटर अगर जाएंगे तो कितना आएगा भाड़ा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, 25 किलोमीटर चलेंगे तो एक्स तो देना ही पड़ेगा हमें, मतलब ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। 5 प्लस 25 किलोमीटर चलना है तो प्रति किलोमीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपए। तो ये हो गया 5 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 255 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो लेट द फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है, ठीक है, समथिंग बट है समथिंग। तो अगर हम इसमें 2 ऊपर नीचे जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाता है, यानी कि x प्लस 2 कर दिए और ये y प्लस 2 हो गया, तो ये 9/11 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। और अगर 3 3 जोड़ दिए तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो हो जाता है ये 5/6, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फॉर्मुलेशन तो हो गया हमारा, अब इसका आता सोल्यूशन। तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, तो पहले तो इसको सिंपल एक्स प्लस वाई इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम। तो इक्वेशन 1 को हमने किया पहले, तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 टाइम्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 टाइम्स वाई प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 11x प्लस 11 दुना के 22, और यहाँ हो गया 9y प्लस 9 दुना के 18। तो 11xy को इधर लाए हम, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू हो गया 18 माइनस 22। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई, या इक्वेशन 3 बोल दिया इसको हमने। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। तो ये 6x प्लस 6 3 18 हो गया इक्वल टू यहाँ 5y प्लस 5 3 15 हो गया। तो y को इधर लाएंगे और 18 को इधर लेते जाएंगे, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगली स्लाइड। तो देखते हैं क्या हुआ, लास्ट स्लाइड में क्या आया था, हमारे यहाँ 2 इक्वेशन बन गया था, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और दूसरा बन गया था 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 3 बोल दिया इसको, इसको इक्वेशन 4 बोल दिया, इसको सॉल्व करना है। तो किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, या तो y को या तो x को। तो सपोज हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन 4 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को घटा दें,
तो आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 में हम कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से, और इक्वेशन 4 में कर देंगे 9 से, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 11 पचे 55 एक्स माइनस 9 पचे 45, 45 वाई इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 छक 54 एक्स माइनस 9 पचे 45 वाई इक्वल टू, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 तरीक 27, तो ये आ गया। तो अब इसको हमने घटाना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो 55 एक्स माइनस 54 एक्स, तो हो गया एक्स माइनस 45 वाई प्लस 45 वाई इक्वल टू 0 हो गया, कट गया ये। और यहां से हो गया माइनस 20 प्लस 27, तो 7 आ गया। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 7, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू को हम इसमें किसी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सपोज हमने इस एक्स की वैल्यू को इसमें डाल दिया, इसमें ये पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 एक्स की जगह 7 डाल दिया, माइनस 5 वाई इक्वल टू माइनस 3, तो 7 6 42 माइनस, सॉरी 42 माइनस 5 वाई इक्वल टू माइनस 3, तो 5 वाई को इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो 42 प्लस 3 हो गया और इधर हो गया 5 वाई, तो यहां से आ गया 5 वाई इक्वल टू 42 3 45, तो वाई इक्वल टू 9, तो एक्स बराबर 7 हो गया था और वाई इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, एक्स वाई वाई था, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 7/9, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अगर ऊपर नीचे 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाता है, तो 7 + 2/9 + 2, तो ये 9/11 हो जा रहा है, ये तो सही है। दूसरा देख चेक कर लेते हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, अगर ऊपर नीचे 3 जोड़ देते हैं तो 7 + 3 और 9 + 3, तो 10/12 हो गया, और ऊपर नीचे दोनों को 2 से हमने काट दिया, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5/6 हो गया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया 7/9, ये सही आंसर है। अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, 6th पार्ट जो, ये 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob says was 7 times that of his son. What are their percentage? 5 years hence मतलब अब से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 years अगो 5 साल पहले जैकब की उम्र जो थी वो अपने बेटे से 7 गुनी ज्यादा थी, ठीक है। वॉट आर देयर परसेंटेज, तो मान लिया लेट जैकब की प्रेजेंट एज एक्स है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज वाई है, ठीक है। ये दोनों हमने मान लिया, तो अब क्या बोलता है, 5 years हैं, सबसे 5 साल बाद जैकब की उम्र 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे की, और 5 साल पहले जैकब की उम्र 7 साल ज्यादा थी। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं एक, PRES प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ एज आफ्टर 5 years, ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं एज बिफोर 7 years, ठीक है, या एज 7 years बिफोर, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे टेबल बना लिया हमने, यहाँ पे लिखा जैकब और यहाँ लिख दिया सन, ठीक है। तो टेबल ऐसे बना लिया हमने, तो अभी प्रेजेंटेज है जैकब की एक्स और उसके बेटे की वाई, 5 साल बाद जैकब की उम्र क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 और इसकी उम्र हो जाएगी सन की वाई प्लस 5, और 7 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, अभी एक्स है तो एक्स माइनस 7 और इसकी रही होगी वाई माइनस 7,
ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी जैकब की उम्र, ठीक है, यानी 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है एक्स प्लस फाइव वो 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे की। ये क्वेश्चन वन हो गई, हो गया। और 7 साल बाद, 7 साल पहले उसकी उम्र 3 गुनी थी इसकी, 7 गुनी थी, सॉरी क्या थी, 5 ईयर्स अगो जैकब से इस बार 7 टाइम्स ज्यादा, 7 गुनी ज्यादा थी, ठीक है, सॉरी 5 ईयर्स बैक था ना। ये 7 नहीं, ये 5 है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, इसको काटते हैं, ये 5 हो गया और यहाँ भी 5 हो गया। 5 साल आगे पीछे देखना, ठीक है, 5 साल भविष्य में और 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या था, उसकी उम्र 7 गुनी थी, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 7 टाइम्स वाई माइनस फाइव, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इक्वेशन को, तो ये हो गया इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया तो एक्स माइनस 3 वाई हो जाएगा ये, ठीक है, 3 वाई को इधर लेते आएंगे और इधर क्या हो जाएगा, 5 3 15 में से 5 जाए 10, ठीक है, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 बोल दिया इसको। और इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स माइनस 7 वाई हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, -35 +5 तो -30 हो गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। तो सपोज ये था एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 जो है, और ये 4 है, इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 को लिख लिया एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू -30, इन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 वाई +7 वाई, तो 4 वाई हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस 30 तो 40 हो गया, तो वाई इक्वल टू 10 हो गया, तो वाई इक्वल टू 10 हो गया। तो एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, तो सपोज हमने इसमें डाला, ठीक है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो एक्स माइनस 3 × 10 इक्वल टू 10, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 10 प्लस 30 40 आ गया। तो जैकब की प्रेजेंट एज 40 है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज 10 है। 5 साल पहले, 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 45 साल, इसकी हो जाएगी 15 साल, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 5 साल बाद इसकी उम्र 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 3 गुनी हो गई, 45 है ये 15 है, और 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी, 35 साल, और 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी, 5 साल, तो अभी 7 गुनी है, तो ये 7 गुनी है यहाँ पे और यहाँ पे 3 गुनी है, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो परसेंटेज हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है।